कि वी हैव स्टेप्ड आउट ऑफ दिस गेम, क्योंकि पिछले साल अरेस्ट के बाद अरेस्ट होते रह गए. अब बेल भी जब हो गया था, देयर वाज दिस एंशियस वेट कि निकलेंगे नहीं निकलेंगे. अभी भी द मैटर हैज गॉन टू सुप्रीम कोर्ट, सो दिस होल इट इज काफी अनबिलीवेबल. अभी भी कभी कभी लगता है कि अभी इधर से आएंगे, कोई और अरेस्ट करके ले जाएंगे कोई दूसरे केस में. एक तो हम दिल्ली हाईकोर्ट को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि फाइनली एक साल बाद हमारी रिहाई हुई है और वो मोमेंट आया है व्हेन वी हैव स्टेप्ड आउट ऑफ दिस केस. और उन्होंने ऑर्डर में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली है अबाउट द राइट टू डिसेंट, अबाउट द राइट टू प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी. और उसको अगर टेरर बुला दिया जाए तो कितना फ्रेजाइल हो जाएगा हमारे डेमोक्रेसी के फाउंडेशंस को. तो वो बोला पिछले एक साल का सफ़र मुश्किल रहा है, काफ़ी मुश्किल रहा है. जेल में जेल काटना किसी के लिए भी आसान चीज़ नहीं है, पर फिर भी क्योंकि हम तीनों साथ में थे और जो हमारे इनमेट्स भी थे उनसे भी बहुत सारा को इनमेट से प्यार मिला था, बाहर इतना सपोर्ट मिला था, लोग चिट्ठियाँ भेजते थे, रोज प्रोटेस्ट करते थे, मैसेजेस करते थे, आसाम से भी इतना सारा सपोर्ट मिला था, मैं आसाम से आती हूँ. तो ये सारा मिला के एक हिसाब से एक साल कट गया. कभी लगता है बहुत लंबा कटा, कभी लगता है पता नहीं कैसे कट गया. विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी भी हम बाहर खड़े हैं. नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट के लिए भी यही बोलना चाहते हैं कि आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल ऑफ असम एंड ऑल ओवर द नॉर्थ ईस्ट, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पब्लिक एंड हु केम आउट इन माई सपोर्ट एंड हु ऑल्सो सपोर्टेड माई पेरेंट्स. उनके लिए भी बहुत मुश्किल था ये पूरा चीज, पर लोगों के सपोर्ट के कारण ही एक बार बोलूँगी. एक साल बाद जेल से निकली हैं, कैसा महसूस हो रहा है? एक साल कैसे थे आपके लिए? बहुत ही अजीब फीलिंग है, लगती है विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक. खुशी भी है कि शायद फाइनली ये हो रहा है. और एक साल ही बहुत ही अजीब तरीके से गुजरा है. बहुत शुरू में समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. एक केस के बाद दूसरे केस में बस अरेस्ट हुए जा रहे हैं और क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं. सच में हम जेल में हैं अचानक से, मगर धीरे धीरे हिम्मत भी बंधी. बाहर से जो जितना सपोर्ट मिला हमें, अंदर से लोगों से जितना सपोर्ट मिला उससे बहुत हमारी हिम्मत बढ़ी और ये एक साल हमने गुजारा. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आपको दो दिन पहले बेल दिया था, लेकिन फिर भी आपको जेल से निकलने में दो दिन का वक्त लग गया जब आपके कोर्ट के वकीलों ने दूसरे कोर्ट में गए. क्या कहना है इस पर? क्या दिल्ली पुलिस का ये मकसद था कि आप लोग को जेल में ही रखा जाए, बाहर ना निकलने दिया जाए? ऐसा ही लग रहा है कि शायद ऐसा ही मकसद था, क्योंकि बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें वो बोली उन्होंने कोर्ट में जो आज तक बोली नहीं गई हैं. मगर शायद पता नहीं वो आपको वो बेहतर बता पाएंगे उनका क्या मकसद था. मगर शायद लाखों लोगों की सेवाएं हमारे साथ थी, इतना सपोर्ट था, हमारे लॉयर्स के मेहनत थी जो. बहुत बहुत शुक्रिया.